यूपीएसएसएफ के हवाले हुआ आगरा न्यायालय परिषद। आगरा न्यायालय परिषद पूरी तरह से अब सुरक्षा घेरे में है और उसकी सुरक्षा व्यवस्था यूपीएसएसएफ को सौंप दी गई है, जिसकी आज अधिकृत रूप से चार्ज दे दिया गया है। और ये फोर्स हम आपको दिखा रहे हैं, ये आगरा का कोर्ट परिसर है और ये यूपीएसएसएफ फोर्स है, यहाँ तैनात किया गया है। अब हर तरह की जिम्मेदारी सुरक्षा व्यवस्था की यूपीएसएसएफ की होगी, यानी कि कोर्ट परिसर में किसी भी तरह की अव्यवस्था शायद देखने को नहीं मिलेगी। हमारे साथ कमांडेंट साहब हैं इस पूरी बातचीत के लिए। सर, किस तरह की तैयारी है? आज अधिकृत रूप से चार्ज लिया गया है, आगे हम किस तरह से देखेंगे यूपीएसएसएफ को आगरा न्यायालय में? हम लोगों की आज यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था के लिए माननीय न्यायालय आगरा में तैनाती की गई है, जिसमें इसके पहले जैसा आपको पता होगा जिला पुलिस इसकी सुरक्षा व्यवस्था करती थी। अभी कुछ दिनों तक हमारे साथ में वो भी सहयोग करेंगे सुरक्षा व्यवस्था में। जैसा कि आपको पता है, हम लोग पहले से आगरा मेट्रो में सुरक्षा व्यवस्था देख रहे हैं, वहाँ का जो रिपोर्ट है, रिस्पॉन्स है और फीडबैक है बहुत अच्छा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आगरा न्यायालय की जो सुरक्षा व्यवस्था जिसकी जिम्मेदारी हमें आज दी गई है वो भी काफी अच्छी और मजबूत होगी। कितने लेयर्स होंगे, मतलब कितने घिरे होंगे, कितने शिफ्ट होंगे, कितने जवान तैनात किए? शिफ्ट वाइज ड्यूटी इसमें लगी है और रिक्वायरमेंट के लिहाज से टाइम और पॉइंट्स के लिहाज से ड्यूटियां लगी हैं। अभी फिलहाल 154 लोगों को हम लोगों ने यहाँ पे किया है, जिसमें 102 आज मौजूद हैं। और इस तरह से हम जो बाकी संसाधन की बात करें तो इसमें सीसीटीवी और जो सुरक्षा के आले उपकरण हैं उसके साथ भी जो है हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सब जो खराब है वो ठीक हो जाए और जो नहीं है उनको हम लोग खरीद करके लगाएं ताकि व्यवस्था ठीक हो और किसी को किसी तरह असुविधा ना हो। यानी सर, हम आने वाले समय देख सकते हैं कि जो दीवानी परिसर है, न्यायालय परिसर है, उसके गेट से लेके अंदर तक का पूरा जो सुरक्षा घेरा होगा वो यूपीएसएसएफ के हाथ में होगा? जी हाँ, न्यायालय सुरक्षा जो न्यायालय परिसर है उसकी पूरी जिम्मेदारी अब एसएसएफ की होगी, परिसर की। अब चार्ज आपने ले लिया है जी। ये देखिए, हमारे साथ यूपीएसएसएफ के कमांडेंट राम सुरेश यादव जी थे, जिन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि अधिकृत रूप से यूपीएसएसएफ ने चार्ज ले लिया है और अब आगरा न्यायालय परिसर की पूरी जिम्मेदारी, सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी अब यूपीएसएसएफ की है। इससे पहले हम देखते आए कि आगरा मेट्रो की जिम्मेदारी यूपीएसएसएफ ने संभाली है और जिसका फीडबैक काफी बेहतर आया है और यही नतीजा है कि अब आगरा न्यायालय परिसर की जिम्मेदारी भी यूपीएसएसएफ को दे दी गई है और ये जवान है, तैनात है। इससे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस न्यायालय परिषद की सुरक्षा व्यवस्था को संभालती थी, लेकिन अब अधिकृत रूप से यूपीएसएसएफ को ये जिम्मेदारी दे दी गई है, अधिकृत रूप से चार्ज ले लिया गया है और बड़ी संख्या में जो जवान हैं, जिन जो डिमांड है, जो शिफ्ट है, उसके अनुसार उनकी तैनाती की जा रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।